प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर कुछ संस्थाओं ने मिलकर लोगों के बीच 500 से अधिक पौधों का वितरण किया। प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के आह्वान को जमशेदपुर की कुछ संस्थाओं ने काफी गंभीरता से लिया है। ये संस्थाएं बिष्टुपुर गोपाल मैदान और उसके आसपास इलाकों में लोगों के बीच पौधों का वितरण कर रही है और लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही है। संस्थाओं से जुड़े लोगों ने बताया कि अब तक 500 से अधिक पौधों का वितरण किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन और गुजराती सनातन सहेली संयुक्त रूप से आज रीगल ग्राउंड के सामने में पेट्रोल पंप के बगल में 500 पौधा का वितरण किया जा रहा है। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है। संस्थाओं के पदाधिकारी ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान का नई पीढ़ी ने जोरदार स्वागत किया है। हमारे सभी सदस्य बहुत ही काम कर रही हैं और अग्रवाल युवा मंच है, अंतर्राष्ट्रीय वैसे महासम्मेलन के सभी लोग हैं, अग्रवाल युवा मंच के हैं और लायंस क्लब के लोग हैं। सभी संस्थाएं मिलकर चाहती हैं कि हम हमारे शहर में अपने वातावरण को अच्छा बनाएं और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए उज्जवल हो, उनको वातावरण अच्छा मिले, इसलिए हम ये पौधा वितरण कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिन संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है उसमें मारवाड़ी सम्मेलन, लायंस क्लब, अग्रवाल युवा मंच, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन आदि शामिल हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।